السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. आज आप सबको पता है रमजान मुबारक की 3 तारीख है और इस 3 तारीख को यानी 3 रमजान को क्या हुआ था? जी हमें पता है आज रमजान मुबारक की 3 तारीख है यानी तीसरा रोजा है आज, लेकिन इस दिन क्या हुआ था, क्या आप हमें बताएंगे? ये वो मुकद्दस माह मुबारक है जिसकी 3 तारीख को अहमद मुख्तार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी लखते जिगर नूर नजर मलका फिरदौस से भरी सैयदा निस्वा हजरत फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का विसाल बाकमाल हुआ और इसी मुबारक महीना में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को सहीफे अता किए गए और सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर अता की गई। इसी तकरीम वाले महीने में सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ताला ने तौरात शरीफ अता की और इसी मुकद्दस वाले माह में सैयदना हजरत ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ताला ने अंजील मुकद्दस अता फरमाई और यही वो रहमत व अजमत व बरकत वाला महीना है जिसमें खालिक कायनात ने अपना आखिरी पैगाम यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद लोहे महफूज से पहले आसमान पर नाजिल फरमाया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या आप हमें कुछ सैयदा के बारे में बताएंगे कि हमें सैयदादों की कैसे तकरीम करनी चाहिए और अगर हम उनकी तकरीम करें, इज्जत करें, उनकी खिदमत करें तो हमें क्या हासिल होता है? जी अली बेटा, अगर मैं सैयदादों के बारे में बात करूं तो लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, कहता है कि जिन्हों पंज ते नाल प्यार नहीं उदे कलमे दा एतबार नहीं, जेड़ा चौं यारां दा यार नहीं ओ जन्नत दा हकदार नहीं, और लख नफल नमाजा पर बावे लख लम्मे सजदे कर बावे, जे आले रसूल दा दुश्मन है तेरा बेड़ा होना पार नहीं। और फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुताबिक जिस शख्स ने अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इत्तबा और फरमाबरदारी की और इनके साथ मुवद्दत और मोहब्बत की वो निजात पा गया और जिसने इनकी मुखालफत की वो हलाक हो गया, यानी जे आले रसूल दा दुश्मन है तेरा बेड़ा होना पार नहीं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सर मैं और मज़ीद जानना चाहूंगा इसके बारे में। बिल जरूर, मैं आपके एक सैयदजादे का वाक्या सुनाता हूँ जो ईमान अफरोज है कि दिल को हिला देने वाला वाक्या है। क्या ही खूब किस्मत पाई उस आदमी ने और वो बदकिस्मत जिसने दुदकार दिया सैयदा को, तो आप उसका वाक्या समाप्त करें। ये समरकंद की सैयदजादी, समरकंद के इलाका में एक बेवा सैयदजादी रहती थी। गुर्बत की वजह से इसके बच्चे फाके से थे। बच्चों ने जब माँ से रोटी का सवाल किया तो माँ की ममता तड़प उठी। मजबूर होकर एक मुसलमान रईस के दरवाजे पर पहुंची और उससे कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तबारक व ताला ने तुझे माल दिया है, मैं गरीब सैयदजादी हूँ और मेरे बच्चे फाके से हैं और इनकी भूख की शिद्दत ने मुझे तेरे दरवाजे पर आने पर मजबूर कर दिया और तू इन्हें खाना खिलाकर खुदा ताला और इसके रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को राजी कर ले। वो रईस जो कि अपनी दौलत के नशे में बदमस्त था कहने लगा, बीबी तेरे पास सैयदा होने की क्या दलील है? सैयदजादी ने आह भरी और कहा, मैं तुझे सैयदा होने की क्या दलील पेश करूँ? ये कहकर वो आगे चल दी और कुछ दूर जाकर एक और मकान पर दस्तक दी। मालिक मकान बाहर आया और दरवाजे पर बच्चों के साथ परेशान हाल पर्दा खातून को देखा तो पूछा, बीबी क्या बात है? बीबी पाक ने फरमाया, मैं सैयदजादी हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, फाके से हैं, इनकी भूख मुझे तेरे दरवाजे तक ले आई है। साहिब खाना मुसलमान ना था बल्कि एक आतिश परस्त था। बीबी का हाल सुनकर तड़प उठा और कहने लगा कि आइए अंदर आइए, और आंखों में आंसू तैरने लगे। दिल में ख्याल आया, ये औरत आले नबी औलाद अली है, मेरे लिए ये बड़ी सआदत मंदी है कि मुझे इनकी खिदमत का मौका मिल गया। फिर इस मजूसी ने अदब से कहा, बीबी अंदर तशरीफ ले आए। फिर इस मजूसी ने इस सैयदजादे को खूब खिदमत तवाजिया की और जब रात हुई तो वो अमीर मुसलमान सोया तो ख्वाब में क्या देखता है कि मैदाने महशर कायम है। हजूर आका नामीदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जन्नत के एक महल के पास जलवा अफरोज हैं। तो उस अमीर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये महल किसके लिए है? फरमाया, मुसलमान मर्द के लिए। इस अमीर आदमी ने कहा, मैं भी मुसलमान हूँ। फरमाया, तेरे पास मुसलमान होने की क्या दलील है?
फिर फरमाया, तेरे दरवाजे पर मेरी बेटी आई थी और तूने इसे सय्यदजादी होने की दलील तलब की थी और तुझे शर्म ना आई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का यह फरमाना ही था कि वो ज़ारो कितार रोता हुआ बेदार हुआ और उस सय्यदजादी की तलाश शुरू कर दी ताकि अपने जुर्म की तलाफी तलब कर सके। जब मालूम हुआ कि वो सय्यदजादी फुलां मजूसी के घर में है तो वो वहां पहुंचा और उस मजूसी से कहा कि मुझसे 1000 रुपए ले लो और सय्यदजादी को मेरे घर भेज दो। उसने कहा कि तुम सय्यदजादी को अपने घर क्यों ले जाना चाहते हो? तो उस अमीर आदमी ने अपना ख्वाब बयान किया और ज़ारो कितार रोने लगा। कहा, मुझे मेरे नबी ने दुदकार दिया है। तो उसने कहा, जिस आका नामीदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तुझे दुदकार दिया है, उन्होंने ख्वाब में आकर मेरा मुकद्दर संवार दिया है। इस पाक सय्यदजादी, इस पाक बीबी के सदके मुझे रहमतुल आलमीन शफीए मुज़नबीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और उन्होंने मुझे और मेरे अहले खाना को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انت واهل بيتك في الجنه اور مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرے اہل خانہ جنت میں ہیں۔ تو سٹوڈنٹ، سمرقند کی سیزادی کا احترام کرنے سے مجوسی کو دولت ایمان حاصل ہوئی اور اس کے ساتھ جنت بھی حاصل ہو گئی۔ اب ذرا غور فرمائے کہ جو مدینے والے آقا محبوب رب العلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، ان کی لخت جگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد سیدزادی حضرت سیدہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھے گا، وہ کیوں کرنا جنتی ہوگا جس کی عظمت و شان سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی کہ مشکات شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو اس پر خوش نہیں کہ تجھے تمام جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بھی سیدہ کا احترام کریں گے اور زیادہ سے زیادہ ہم اس ماہ میں نیکیاں کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آج کی کلاس مکمل ہو گئی ہے میری اور میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر آپ سب کو ہمارا یہ ایپیسوڈ فضائل رمضان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں پھر کل 5 بجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔